पूरा नाम और परिचय जानेंगे। अनिल कुमार पांडे, प्राथमिक विद्यालय सदाजा नंबर 3। सर, इस समय की जो शासन की प्रणाली है शिक्षा का, आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए, शासन की मंशा है कि बच्चों में जो है गुणवत्ता जो है उसकी संप्राप्ति को बढ़ाया जाए। उसके लिए शासन स्तर पे हर कक्षावार हर विषयवार जो है लर्निंग आउटकम निर्धारित किए हैं। इसकी एक परीक्षा जो है 8 नवंबर को हुई है, उसमें वैकल्पिक प्रश्न थे जिसको बच्चों ने ओमार सीख था, उसमें जो है बाल पेन से रंगे, वो परीक्षा हो चुकी है, बच्चे अच्छा किए। अब नेक्स्ट परीक्षा जो है शासन द्वारा आयोजित है 14 जो है फरवरी को, उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, वो बच्चों को लिखने में 3 से 5 तक, उसके माध्यम से बच्चों की लेखन क्षमता और बच्चों का कितना ज्ञान है और कितने सीखे, लर्निंग लेवल उनका क्या है, उस परीक्षा के माध्यम से शासन पता करें। इस बार गणतंत्र दिवस पे क्या खास है सर? गणतंत्र दिवस तो हमेशा खास होता है और ये जो आज़ादी मिली है, जो हमें मिली है, उसके प्रति जो है बच्चों में बताना कि कैसे किस कठिनाई से हमारे महापुरुषों ने जो है आपको आज़ादी दी है, उसके बारे में प्रेरित करना, कुछ जो है पूर्वों जो है हमारा जो है कार्यक्रम कराना, सबके माध्यम से बच्चों को जो है जागृत करा हुए देशभक्ति के प्रति और चीज़ों के प्रति। इस वक्त देश में अपने NCR और CAA चल रहा है, इसको किस प्रकार से आपके शिक्षक बच्चों के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक NCR का वो है, अब क्योंकि ड्यूटी लगेगी डोर टू डोर अध्यापकों, क्या होता अलग की बात है, लेकिन बच्चों में ये किया जा रहा है कि इसकी भ्रांति न रहे, जो भी है सरकार का हो उसके प्रति समाज में भ्रांति न रहे कि ये चीज़ें समाज विरोधी हैं क्या, इसके बारे में भी जागरूक किया जाता है कि ये चीज़ें जो है समाज में इसका गलत मैसेज न रहे, जो भी है उसका बातचीत से बताएंगे। 71वें गणतंत्र दिवस पे अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश है? हमारी शुभकामना है सभी क्षेत्रवासियों के लिए कि विकास करें और जो है अपने देश के प्रति जो है